उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। ताजा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र से है, जहां रोजाना की तरह पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। वहीं चौकी के पास से दो बाइक सवार बदमाश महिला से चेन छीनकर भाग रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को रोकने की कोशिश की। तभी बदमाशों ने रोकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाते हुए एक बदमाश को गोली जा लगी, जिससे एक बदमाश घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश की पहचान राजू के रूप में हुई। वहीं बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार।